हेलो स्टूडेंट्स, कुमार स्टडी सर्कल में आप सबका स्वागत है। प्रयोगशाला टेक्नीशियन परीक्षा को आगे बढ़ाते हुए आज के वीडियो का हमारा टॉपिक पर्यावरण जो एनवायरनमेंट पर पार्ट में देने जा रहा हूँ। जो बच्चे मेरे पुराने वीडियो को देखना चाहिए वो मेरे प्लेलिस्ट जिसमें प्रयोगशाला टेक्नीशियन परीक्षा 2024 वाला प्लेलिस्ट दबाकर सारे वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए देर न करते हुए एक एक क्वेश्चन के यहाँ पर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। पहले आपके सामने आता है सर्वाधिक प्रबल ग्रीन हाउस गैस कौन सा है, इसमें से आपको बताना है। कार्बन डाइऑक्साइड, मैथेन, भाप, ओजोन। यहां पर क्वेश्चंस था सर्वाधिक प्रबल बोला है तो इसमें से आपको बताना है। तो चारों को चारों जो है ग्रीन हाउस गैसेस के अंतर्गत आते हैं, लेकिन सबसे प्रबल आएगा भाप अर्थात H2O जल वाष्प। H2O बोलो या जल वाष्प बोल दो, इसकी मात्रा लगभग लगभग ओजोन परत में 36 से लेकर 70% तक होती है। यद्यपि टिकाऊ नहीं रहता, बहुत जल्दी हट जाता, टिकाऊ तो कार्बन डाइऑक्साइड रहता है। लेकिन यहां पर पूछा गया था प्रबल ग्रीन हाउस गैस कौन सा है, तो आएगा भाप अर्थात H2O। क्वेश्चन है किस पर्यावरणविद ने जैव विविधता संरक्षण के क्षेत्र का सिद्धांत दिया, इसमें से आपको बताना है। गेलार्ड, नील्सन, नॉर्मल मेयर्स, जॉन मयूर या इनमें से कोई नहीं, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर इसका बी आएगा, नॉर्मल मेयर्स। जैव विविधता हॉटस्पॉट 1988 में नॉर्मन मेयर्स द्वारा विकसित एक संरक्षण अवधारणा है। हॉटस्पॉट वह भौगोलिक क्षेत्र है जिसमें स्थानिक प्रजातियों की उच्च संख्या होती है, मैंने सबसे ज्यादा वहां पर स्थानिक प्रजातियां पाई जाती है और वास्तव में संकटपन भी होते हैं। विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है, ये आपको बताना है। 22 मार्च, 22 अप्रैल, 22 मई या 22 जून को, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर सी आएगा, विश्व जैव विविधता दिवस जो मनाया जाता है 22 मई को मनाया जाता है। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है स्टील उद्योग से उत्पन्न प्रदूषक कौन सा है, सल्फर ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें से आपको चुनना है, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर डी आएगा, सारे के सारे निकलते हैं। सल्फर ऑक्साइड भी निकलता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड भी निकलता है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी निकलता है और कार्बन डाइऑक्साइड, चारों के चारों स्टील उद्योग से निकलते हैं और ये प्रदूषक है। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है निम्नलिखित में से क्या जैव विविधता हॉटस्पॉट है, इसमें से बताना है कौन सा या क्या जैव विविधता हॉटस्पॉट है। थार, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट या अरावली पर्वत, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर भी आएगा, पश्चिमी घाट। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी की स्थापना कब हुई, ये आपको बताना है। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी की स्थापना कब हुई है, इसको आपको बताना है। 2005 में, 2006 में, 2007 में या 2008 में, इसमें से कोई एक। सही आंसर इसकी स्थापना 2005 में हुई थी। तो यहां पर राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी की बात करूं, NTCA की स्थापना दिसंबर 1905 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत की गई थी। कूनो वन्यजीव अभ्यारण किस प्रदेश में, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र या मध्य प्रदेश। सही आंसर डी आएगा, ये मध्य प्रदेश में, अभी बाहर से जो चीते लेके आए थे यहीं पर संरक्षण मिला, कूनो अभ्यारण में यहीं पर छोड़े गए हैं। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है भारत का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण कौन सा है, ये आपको बताना है। दिबांग घाटी, केदारनाथ वन्यजीव अभ्यारण, कुंभलगढ़ या भारतीय जंगली गधा अभ्यारण, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर डी आएगा, भारतीय जंगली गधा अभ्यारण जो कि गुजरात में है। ये गुजरात में फैला हुआ गधा अभ्यारण जो 4954 वर्ग किलोमीटर मायने रखता है, बहुत बड़ा इलाका में फैला हुआ है। क्वेश्चन हमारे सामने आता है पर्यावरण की दृष्टि से लैंडफिल में अपशिष्ट का निपटान करने वाले किसी भी व्यक्ति द्वारा भुगतान किया जाने वाला शुल्क फी को क्या कहते हैं, रिसाइकलिंग फीस, डंपिंग ड्यूटी या टिपिंग फी या मटेरियल फी। सही आंसर सी आएगा, टिपिंग फी इसको कहा जाता है, जिसको गेट फी भी कहा जाता है। क्वेश्चंस हमारे सामने है प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया था, कॉमन क्वेश्चंस यहां पर आपको पता होना चाहिए। 1973 में ये प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया था।
NBWL यानी राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड, नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ, भारत में वन्य जीवों से संबंधित सभी मामलों के लिए वैधानिक निकाय है। इसका था ये आपको बताना है। सही आंसर डी आएगा। इसका गठन 2003 में किया गया था, वन्य संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत। क्वेश्चन हमारे सामने आएगा, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण नेशनल ग्रीन अथॉरिटी की स्थापना राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण अधिनियम 2010 नेशनल ग्रीन अथॉरिटी एक्ट 2010 के द्वारा पर्यावरण प्रदूषण को नियंत्रण करने के उद्देश्य की गई थी। इसका मुख्य पीठ कहाँ पर है? यहाँ पर आपको बताना है इसका मुख्य पीठ कहाँ पर है, भोपाल, नई दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर इसका बी आएगा। मुख्य पीठ तो दिल्ली में है, बाकी अन्य जगह भी इसकी बैठक होती है, भोपाल में भी होती है, कोलकाता में भी होती है, पुणे में भी होती है और चेन्नई में भी है, चार जगह इसकी बैठकें होती है, लेकिन मुख्य पीठ कहाँ पर? नई दिल्ली में है। राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड का प्रमुख कौन होता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, पर्यावरण मंत्री या उपराष्ट्रपति, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर, राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड का प्रमुख प्रधानमंत्री होता है, पर्यावरण मंत्री ये उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त होते हैं। क्वेश्चन हमारे सामने आता है, दुनिया भर में 36 जैव विविधता हॉटस्पॉट में से कितने भारत में? 1, 2, 4 या 5, इसमें से आपको बताना है कि कितने भारत में। सही आंसर सी आएगा, 4 भारत में। पहला हिमालय है, फिर पश्चिम घाट है, फिर इंडो बर्मा क्षेत्र है और सुंडालैंड। इस प्रकार 4 जो होते हैं जैव विविधता हॉटस्पॉट हमारे भारत के अंतर्गत पड़ते हैं। बिल्कुल भारत में 2 आते हैं, हिमालय और पश्चिमी घाट। इंडो बर्मा क्षेत्र कुछ दूसरे देश में चले जाते हैं और सुंडालैंड कुछ दूसरे देश में चले जाते हैं, लेकिन प्योर भारत में 2 ऐसे बोला जाता, टोटल 4 यहां पर आते हैं। क्वेश्चन हमारे सामने आता है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल और NGT जो पर्यावरण संबंधी मुद्दों से संबंधित मामलों से निपटने के लिए एक वैधानिक निकाय है, इसकी स्थापना कब की गई थी? ये आपको बताना है। 1989, 2010, 2015 या 1996, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर भी आएगा, इसकी स्थापना 2010 में की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय संरक्षण संघ IUCN की स्थापना कब हुई थी? 1947, 1932, 1950 या 1948, इसमें से कोई आएगा। सही आंसर इसका डी आएगा, 5 अक्टूबर 1948 फ्रांस में इसकी स्थापना हुई थी। क्वेश्चन हमारे सामने आता है, भारत दुनिया का सबसे बड़ा जैव विविधता वाला क्षेत्र है। भारत में दुनिया की प्रजातियों के कितना प्रतिशत हिस्सा है? 2 से 3%, 7 से 8%, 11 से 12%, 16%। सही आंसर भी आएगा, लगभग 7 से 8%। ग्लोबल वार्मिंग की संभाव्यता मापने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड, मैथेन, ओजोन या सल्फर डाइऑक्साइड, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर ए आएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चंस है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस गंदे पानी से बनती है? मैथेन, CFC, HCFC या जल वाष्प। सही आंसर ए आएगा, एक कीचड़, जो कीचड़ होता है, गंदे पानी होता है, यहीं पर निकलता है मैथेन गैस। अक्सर भारत में कुआं साफ करते हुए लोग मारे जाते हैं क्योंकि कीचड़ उत्पन्न होता है, जहरीला गैस है जिसको कुआं साफ करते करते मारे जाते हैं, तो ये जहरीला गैस निकलता है मैथेन का रिसाव। क्वेश्चन हमारे सामने आता है, निम्नलिखित बहुपक्षीय सम्मेलन में से कौन सा स्थायी कार्बनिक प्रदूषक से मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण की रक्षा करने के लिए है? बोन सम्मेलन, स्टॉकहोम सम्मेलन, रॉटरडेम सम्मेलन या वेसेल सम्मेलन, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर भी आएगा, स्टॉकहोम सम्मेलन। वायुमंडल की इनमें से कौन सी परत ओजोन परत से बनी है और जो अल्ट्रावायलेट यूवी प्रकाश को अवशोषित करने के लिए जिम्मेदार है? क्षोभ मंडल में, मीसोस्फीयर में, समताप मंडल में, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर सी आएगा, समताप मंडल में। चलिए, क्षोभ मंडल आता है उसके ऊपर समताप मंडल जो आता है उसमें 20 किलोमीटर तक ये लेयर पाई जाती है जो कि ओजोन परत की होती है।
क्वेश्चंस करीब आता है, भारत में आदर्श रूप से कितने प्रतिशत वन भूमि होनी चाहिए? 15%, 50%, 44% या 33%? इसमें से आपको बताना है। सही आंसर डी आएगा, 33% होनी चाहिए, और हमारे छत्तीसगढ़ इससे कहीं ज़्यादा यहाँ वन भूमि रखता है। इनमें से कौन सा तत्व पीने के पानी में मौजूद है जो कई घातक बीमारियों का कारण बन सकता है? फॉस्फोरस, कैल्शियम, आर्सेनिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। इसमें से आपको बताना है। सही आंसर सी आएगा, आर्सेनिक। क्वेश्चंस है, कितने डेसिबल से ध्वनि प्रदूषण माना जाता है? 65 से 70, 70 से 80, 80 से 90 या 90 से 95? इसमें से आपको बताना है। सही आंसर ए आएगा, लगभग 65 डेसिबल या 65 से 70 के आसपास जो है उसी को ध्वनि प्रदूषण माना जाता है। इससे ऊपर जितना चले जाए, 65 से ऊपर आपका जाएगा, ऐसा नहीं कि 65 से जो बहुत ऊपर होगा नहीं होगा। तो यहाँ पर आंकड़ा यहाँ पर 65 से मानते हैं, तो 65 से 70 के बीच जितने भी ऊपर आएंगे, ऊपर भी और चला जाए तो पूरा और प्रदूषण होता चला जाएगा। तो 65 ही आंसर पर आ रहा था। उस जगह का नाम क्या है जहाँ भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय स्थापित है? कानपुर, देहरादून, कोलकाता या हैदराबाद? इसमें से आपको बताना है। सही आंसर इसमें भी आएगा कि भारतीय वन सर्वेक्षण मुख्यालय देहरादून में, भारतीय याद रखेंगे, भारतीय वन सर्वेक्षण मुख्यालय देहरादून में स्थापित है। क्वेश्चन यहां पर आता है, भारत का पर्यावरण शिक्षा केंद्र भारत के किस राज्य में स्थापित किया गया है? अहमदाबाद, लखनऊ, हैदराबाद या नागपुर? इसमें से आपको बताना है। सही आंसर ए आएगा, अहमदाबाद, गुजरात में। उस जगह का नाम क्या है जहां भारतीय वन प्रबंध संस्थान स्थित है? सब अलग अलग क्वेश्चन से याद रखेंगे, भारतीय वन प्रबंध संस्थान की बात कर रहा है, ये कहाँ स्थित है? पुणे, नई दिल्ली, बड़ोदरा या भोपाल? इसमें से आपको बताना है। सही आंसर डी आएगा, ये भोपाल में स्थित है। क्वेश्चन है, उस जगह का नाम क्या है जहां अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण सूचना केंद्र स्थापित है? न्यूयॉर्क, वाशिंगटन, शिकागो या हंगरी? सही आंसर ए आएगा, न्यूयॉर्क। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, निम्नलिखित में से पर्यावरणविद प्रदूषक का जैव संकेतक कौन सा है? माने कौन सा संकेतक है जैव पर्यावरण पर्यावरणीय प्रदूषक का जैव संकेतक कौन सा है? डायटम, मूंगा चट्टान, मछलियां या लाइकेन? सही आंसर डी आएगा, लाइकेन को माना जाता है, ये प्रदूषक जैव प्रदूषक का संकेतक माना जाता है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के हस्ताक्षर को मानने के लिए निम्न दिन में से कौन सा मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस, विश्व ओजोन दिवस, विश्व वन्यजीव दिवस या इनमें से कोई नहीं? सही आंसर, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में ओजोन संरक्षण के लिए हस्ताक्षर हुए थे और इसी दिन विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। आशा करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आप लोग मेरे वीडियो को वॉच करते, इसलिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।